तो आज का हमारा टॉपिक है इफ कंडीशनल लॉजिक। ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा और एक्सेल में भी इसका बेसिक फीचर मौजूद है। इसका सिंटैक्स क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले आप बनाते हैं इफ, ये कमांड है इक्वल टू इफ के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ बीच में बताते हैं आप कंडीशन, और कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चले और अगर फॉल्स है तो ये कोड चले। मतलब कोड आपका दो पोर्शन में डिवाइडेड है। मतलब अगर हम इसको यूँ समझें कि जो इसका ये पोर्शन है ट्रू वाला, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो कोड लिखा होगा वो रन होगा, कोड रन, और जो यहाँ पर कोड लिखा होगा वो नहीं रन होगा, कोड डू नॉट रन। ठीक है, और इसी तरीके से इसी बात को आपने समझना है कि बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, कंडीशन ट्रू तो ये कोड चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स तो ये नहीं चलेगा और ये वाला कोड परफॉर्म होगा। यानी कि जब हम अपने एक्सेल शीट के अंदर थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग ऐड करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कौन सा कोड रन हो और कौन सा कोड रन ना हो, तो उसके लिए इस कंडीशन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में लेंगे। अब एक एग्जाम्पल तो ये हो सकती है, सपोज कभी एक आसान खासी एग्जाम्पल, इसके लिए हमें थोड़े से कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यूज करना होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी आगे आपको जाके हर जगह में मिलेंगे। इस एक ऑपरेटर का नाम है ग्रेटर देन, जो कोई वैल्यू को चेक करेगा, लेस देन जो कोई नंबर वैल्यू को लेस देन पे चेक करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डबल चेक करेगा, ग्रेटर देन भी करेगा और इक्वल टू दोनों कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा तो ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू इस तरह से करेगा। ठीक है, और यहाँ पे करेगा नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू में यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यूज को नॉट इक्वल करके करेगा और यहाँ पर आएगा एक और इक्वल टू, दो वैल्यू को इक्वल पर चेक करेगा। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स याद कर लेंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलने वाले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसके अलावा ये कहलाता है मॉड ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस या मॉड ऑपरेटर, परसेंट साइन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, और इसको हम, ये तो फॉरवर्ड स्लैश है जिसको हम डिवाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये एस्टरिस्क साइन है जो कंप्यूटर्स में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लाई का काम करेगा और जबकि ये डिवीजन का काम करेगा, यानी कि डिवाइड करने का काम करेगा। तो ये अरिथमेटिक और आपको पता होना चाहिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में कि ये कैसे यूज होते हैं। जब हम कोई कंडीशन चेक करते हैं तो हम उनको ऐसे ही चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 5 बड़ा है 3 से, तो हम कहेंगे 5 ग्रेटर देन 3, ये देखिए, और हम कहेंगे 3 छोटा है 5 से, 3 लेस देन 5, और अब कहेंगे 5 बराबर नहीं है 3 के, 5 नॉट इक्वल टू 5 3, और अब कहेंगे 5 बराबर है 5 के तो 5 इक्वल टू 5। ठीक है, और हम कह रहे हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या तो 5 4 से बड़ा है या छोटा है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं 5 लेस देन इक्वल टू 3, या तो 5 3 के बराबर है या फिर छोटा है। अब इनके जवाब क्या होंगे, इसका जवाब क्या होना चाहिए, ट्रू, आप कह रहे हैं ट्रू, और आप कह रहे हैं ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, क्योंकि ना बराबर है ना बड़ा है, और इसका आंसर होगा इसका ट्रू होगा क्योंकि बराबर नहीं छोटा तो है ना, लेकिन क्या करो 5 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स ही होगा क्योंकि 5 छोटा भी नहीं है 3 से और 5 बराबर भी नहीं है। जैसे हम आंसर दे रहे हैं ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमें आंसर दे सकता है, सही है, लेकिन कैसे देगा तो सही समझना पड़ेगा। एक्सेल का आंसर अगर आपको लेना है किसी भी कैलकुलेशन का तो एक्सेल की शीट को लोड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसके आंसर को पहले क्वेश्चन को लिख ले। मैं कह रहा हूँ इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3, क्या आंसर दिया फिर एक्सेल आंसर दे रहा है आपको, देखिए आप तो नहीं दे रहे ना, एक्सेल दे रहे, तो हम कह रहे हैं 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या आंसर दे रहा है, 5 तो 5 के बराबर होता है तो क्या आंसर दिया फिर फॉल्स। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, सिंपल हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक्सेल को और एक्सेल हमें उसका जवाब दे रहा है, समझ में आई, 5 इक्वल टू 5, क्या आंसर दिया इसने 5। अच्छा, जब भी हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो इक्वल का साइन साइन मैंडेटरी है, 5 नॉट इक्वल टू 6, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब देखो इक्वल नहीं लगाया ना मैंने, तो इसलिए मैंडेटरी है इक्वल का साइन, ये फॉर्म और ये सही। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स की आप कोई ना कोई इससे आंसर ले सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं इसको यहाँ पे दे रहा था सवाल, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में लिया था, तो
ओके अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया, 5 3 5 4 5 5 5 6 और अब यहाँ पे क्या इक्वल चेक करो दिस सेल, पहले मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा था इसको कॉन्स्टेंट, अब मैंने कहा सेल का रेफरेंस है ग्रेटर देन दिस सेल, अब क्या करेगा एक्सेल, एक्सेल वही काम करेगा पर एक्सेल थोड़ा सा अब इंप्रोवाइज वर्जन में कर दिया हमने, तो कैसे आपने कहा भाई चेक करो इस सेल की वैल्यू क्या है, D5 की वैल्यू 5 है, बड़ी है 3 है जो कि E5 की वैल्यू, इंटर करते हैं आंसर देगा ट्रू, और अब हमारे लिए काम आसान हो गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये ड्रैग कर देंगे तो इसने इसको कंपेयर कर लिया, इसने इसको कंपेयर कर लिया, इसने इसको कंपेयर कर लिया और आंसर कहीं पर ट्रू कहीं पर फॉल्स आ गया, ठीक है, लेकिन सबको कंपेयर क्या किया होगा, वही कंपेयर किया होगा जो यहाँ पे किया था ग्रेटर देन के साथ, ठीक है सबको ग्रेटर देन के साथ कंपेयर किया होगा, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे हम करेंगे इसको लेस देन और यहाँ पे हम करेंगे इसको लेस देन, तो देखिए अब थोड़ा सा हमारा काम एडवांस हो गया और एडवांस होने के साथ सबके साथ उसमें ग्रेटर देन के सॉरी ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन के ऑपरेशन को चेक कर लिया और सबके आंसर इसमें क्या कर दिए फॉल्स कर दिए, ठीक है इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि चेक करो D6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो इसका आंसर क्या दिया ट्रू, भाई ग्रेटर है बराबर नहीं लेकिन ग्रेटर है, और अब यहाँ कह रहे हैं 5 नॉट इक्वल टू 5 तो इसने भी आंसर दिया फॉल्स, और यहाँ पे मैंने कहा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो आंसर भी दे रहा है फॉल्स क्योंकि ना ग्रेटर है और ना इक्वल है, समझ में आ गई बात ये, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि पहले दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं और फिर मैंने आपको बताया दो सेल्स को कैसे कंपेयर करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच हो गई, इसमें हमने डायरेक्टली नंबर्स को कंपेयर किया, इसमें हमने इनडायरेक्ट नंबर को कंपेयर किया, कंपेयर हमने किया सेल्स को पर सेल्स क्या होंगे कंपेयर, सेल्स के अंदर की वैल्यूज को उसने कंपेयर किया, दोनों में आंसर हमारे पास सेम आ गए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, ठीक है ओके अब चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, अब ये तो हमने चेक कर रहा आ गया कैसे आंसर दे रहा है कैसे नहीं दे रहा, अब हम चलते हैं कि इसको इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मतलब यही कंडीशन चेक हम इसके साथ करना चाहें तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब उसके लिए हमें पहले कुछ सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा डिजाइन करें कि हाँ भाई इसे कहे, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज टू बी एक कॉलम बनाते हैं एज का और हम यह डिसाइड करते हैं क्या डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अगर किसी की एज 18 से कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो उसको कहें यू आर टीन एजर, ठीक है ऐसे, और जब किसी की एज 18 या 18 से ज्यादा है तो उसको कहें यू आर एडल्ट, सही है ओके, अच्छा डेटा इधर इंटर करेंगे और आंसर इधर लेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे देखें जब भी कोई कंडीशन चेक करेंगे तो आंसर हम दो तरह से लेंगे,
आंसर हम वेदर या तो हम आंसर आइदर लेंगे नंबर में आइदर लेंगे टेक्स्ट में। नंबर को कहते हैं इंटीजर और टेक्स्ट को कहते हैं स्ट्रिंग। ये आगे और आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ अभी, ये नंबर और टेक्स्ट ही समझ लें। तो टेक्स्ट में अभी आंसर किस में लेंगे, नंबर में लेंगे टेक्स्ट में लेंगे, बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन टेक्स्ट में लेंगे ना आंसर, हमें टेक्स्ट में लेना डेटा एंट्री नंबर में, ठीक है इस तरह से। ओके अभी हम करते हैं उसके ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे डेटा एंटर किया जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13, तो आंसर आना चाहिए यू आर टीनेजर, लेकिन कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल स्टार्ट स्टार्ट ब्रैकेट एंड सेव, चेक करो दिस सेल, आ गया ना वही तरीका, और चेक करो क्या अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है इक्वल है, ठीक है अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 18 के, 18 के बराबर है या 18 से अबव है, तो यहाँ पे कॉमा आंसर किसमें लेना है, कॉमा के बाद देखो कह रहा है वैल्यू इज ट्रू, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो क्या करना है मुझे, वैल्यू ट्रू भी बता रहा है, तो आंसर मुझे टेक्स्ट में लेना है तो डबल कोट ऐड करते हैं कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो डबल कोट ऐड करते हैं और ब्रैकेट को ओवर करना है। अब पहले वाले डबल कोट में क्या लिखना है, यू आर एडल्ट, और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिख दिया यू आर टीन एजर, क्या लिखा रहा है, ओके 14 पे भी ये लिखाएगा, 15 पे भी ये लिखाएगा, 16 पर, 17 पर, 18 पर हो गया एडल्ट, सही। एक दूसरे एग्जांपल में मेल फीमेल का ले लेते हैं, तो अब हम बेस करेंगे आंसर टेक्स्ट के ऊपर और आंसर भी लेंगे टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और चीज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं जेंडर, और यहाँ पर मेल या फीमेल के एंट्री लेंगे, तो वेदर कोई अगर सेलेक्ट कर रहा है एम तो मतलब बताया इसको यू आर मेल, और सेलेक्ट कर रहा है एफ तो बताया यू आर फीमेल, तो इसको कैसे कहेंगे, इक्वल टू से स्टार्ट ब्रैकेट और कहेंगे इसको चेक करो कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू, अब चेक कर रहे हैं टेक्स्ट को तो डबल कोट में टेक्स्ट को चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा अगर कोई चेक करता है एम तो उसको कॉमा में बताना है मेल और अदरवाइज डबल कोट बताना है उसको फीमेल, ठीक है ब्रैकेट को कर दिया बंद, फीमेल का बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एम लेगा तो मेल है और अगर नहीं है तो वो कहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आप लिखा ग्रेटर देने के लिए, यहाँ पे ग्रेटर नहीं आएगा, जस्ट आएगा इक्वल, जस्ट आएगा इक्वल, जैसे ही कोलन लगा के एंटर करेंगे क्या लिखा रहा है, कोई एंट्री नहीं है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करी एम सही, हाँ बाय डिफॉल्ट एंट्री सबकी फीमेल हो जाएगी, ये देखिए बाय डिफॉल्ट सारे फीमेल है, और अगर मैं यहाँ करूँगा एम तो ये मेल हो जाएंगे, अदरवाइज जिसको मैं एफ ही करूँगा तो वो फीमेल रहेगा, एक्स या कुछ भी लिखूंगा वो फीमेल ही रहेगा, लेकिन एम करूंगा तो वो मेल करूंगा क्योंकि हमारा टारगेट मेल पे था। इसी को उल्टा करके लिख दें, इसको मतलब उल्टा करके लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पे लिखिए जेंडर में, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो इसको इक्वल टू, इसे स्टार्ट ब्रैकेट चेक करो इसको, भाई ये नॉट इक्वल टू क्या है एम के, अगर ये एम के बराबर नहीं है मतलब अगर ये एम के बराबर नहीं है तो फिर क्या है ये, तो फीमेल है, तो आंसर हमने लिया इसका फीमेल, अदरवाइज ये क्या है मेल, तो ये मैंने इसको क्योंकि यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ टेक्स्ट को तो आंसर भी टेक्स्ट ले रहा हूँ, तो डबल कोट्स पे चेकिंग हो रही है कंडीशन में और आंसर भी डबल कोट्स पे ले रहा हूँ, एंटर करेंगे इसको क्या लिखा रहा है फीमेल, और ब्रेक करते हैं इसको नीचे में तो सारे फीमेल हो जाएंगे, जहाँ पे मैं एम लिखूंगा वहाँ मेल आएगा अदरवाइज वहाँ पे। अब फॉर्मूले में डिफरेंस देखिए आप, दोनों में मैंने एक ही बात लिखी लेकिन थोड़ा घुमा के लिखी और थोड़ा सा उसको इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पर हम करते हैं शो फार्मूला, अब देखिए इस फॉर्मूले को रीड कर लें और इस फॉर्मूले को रीड कर लें, बात तो एक ही है आंसर टू टाइम्स में आ रहा है, ये देखिए ये फॉर्मूला हमारा और ये फॉर्मूला हमारा, ओके मैंने क्या लिखा था L5 इक्वल टू M तो मेल दिखाओ अदरवाइज फीमेल दिखाओ, और वहां पे क्या M5 नॉट इक्वल टू M तो फीमेल दिखाओ मतलब मेल दिखाओ, आंसर दोनों में मैंने सेम ले लिया है लेकिन लिखने का अंदाज इस तरीके से हो सकता है, समझ में आ रही बात ये, ठीक है तो इस तरह से हम चीजों को कर रहे थे। अब आंसर हमें नंबर में लेना है और नंबर को ही चेक करना है, नंबर में लेना है और आंसर भी किस में लेना है नंबर में ही लेना है, ठीक है तो चेक भी नंबर को कर रहे हैं, चलिए शो फार्मूले को हटाते हैं यहाँ से क्लिक करके शो फार्मूला से, और अब फार्मूले को हटा के यहाँ पे चेक करें, सपोज करिए यहाँ पे हमें चेक क्या करना है नंबर में कैसे चेक करें यार, मिसाल के तौर पर यहाँ लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर
इसको चेक करेंगे, इक्वल टू स्टार्ट बाय के चेक करो इसको, अगर से इस सेल की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 100 से, अगर ये 100 से इक्वल है या 100 से अबव है, तो ऐसा करो यहाँ पर क्या करोगे तुम, 100 लिख दो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर 0 लिख दो, सही है। तो अभी क्या आ रहा है, हमें नंबर डालना, और जैसे ही मैं 100 पे पहुंचता हूँ, 100 से ऊपर जाता हूँ, समझ रहे, 2, 12, 20, 50, 60, 70, 80, 100, 100 का पूछता हूँ तो ये देखिए उससे ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक से क्या लिखा था, अगर चेक करो इस सेल की वैल्यू 100 या 100 से अबव है तो 100 लिख दो, अदरवाइज चेक कर दो इसको, ठीक है। ये भी समझ में आ रही बात, अब जो आपको मैंने कहा था नॉट इक्वल टू ब्लैंक वाला वो क्या तरीका था, अब आइए इसको चेक करते हैं, चेक ब्लैंक, चेक ब्लैंक, मैंने कहा कि भाई अगर इसको चेक करो इक्वल टू स्टार्ट ब्रैकेट चेक करो इस सेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, ब्लैंक इज अ टेक्स्ट कैरेक्टर, तो इसलिए डबल कोट से चेक किया। तो इधर क्या करो, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो क्या करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे 100 लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे 0 कर दो, तो क्या आ रहा है 0। अब जैसे कोई नंबर डालूंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, जैसे कोई नंबर डालूंगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ बीच में फार्मूला डाल दूँ, ये 100 की जगह मैं कहूँगा ऐसे करो सम करो 2+2 लिख देना, 2+2 करके जो आंसर है वो लिख देना, तो जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखूंगा 2+2 4 आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसको खाली करूंगा यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ फार्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड कर दूँ, यार ये 2+2 ऐसा नहीं करो, ये ब्रैकेट में जाके ऐसा करो कि इसको प्लस कर देना इसके साथ, अब जैसे ही मैं इसमें कोई वैल्यू लिखूंगा तो उन दोनों को प्लस करेगा, लेकिन यार हमको कोई वैल्यू नहीं, तो पहले वैल्यू तो लिखी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा हमें 20, तो उनको 30 कर दिया उसके साथ, और जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ तो क्या आ रहा है, नहीं आ रही बात, अच्छा 0 भी नहीं चाहिए, इसको ब्लैंक ही कर दो, 0 भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे 0 ब्लैंक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, तो दो कोट्स इधर लगा दो, अब जैसे ही कोई नंबर लिखोगे यहाँ तो मुझे प्लस करके दिखाएगा, जैसे ही तुम डिलीट करोगे ब्लैंक कर देगा। तो ये सारे बेस्ट पॉसिबल वे मैंने इसके साथ आपको बताए कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी शीट के ऊपर, ठीक है ना, कि किस तरह ये यूज हो सकता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल पर डालते हैं, फिर कल इसको और करेंगे आगे। एग्जांपल ये बहुत सारी एग्जांपल भी दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसके अंदर। यहाँ पे हम चलते हैं इसको शीट के ऊपर, और यहाँ पे जाके हमने लिया मंथली पेरोल शीट के ऊपर, चलेगा यहाँ पे मंथली पेरोल शीट पर आया यहाँ पर, चलो कल इसको भी सीखेंगे, आज तो थोड़ा सबसे करते काम। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब देखो ये लोन वाला पार्ट जो है देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि यार जब मैं इसको यस करूँ तो इसका लोन कैलकुलेट हो, और नो करूँ तो इसका लोन कैलकुलेट ना हो, यस करूँ तो इसका लोन कैलकुलेट हो और नो करूँ तो इसका लोन कैलकुलेट ना। सिंपली मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसको क्लिक करके यहाँ से डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे जाके, ये मैंने आपको सिखाया था, ये मैंने इसके ऊपर लिस्ट कंट्रोल लगाया यस कॉमा नो, ठीक है, और इसको कैसे लगा क्लियर कर दिया, मैंने ओके कर दिया, खत्म हो गया, डिलीट कर दिया। तो मैं सेल्स को बाउंड कर रहा हूँ, तो अब सेल्स को मैं बाउंड कर रहा हूँ इसे करके, और यहाँ पे मैं डेटा में जा रहा हूँ और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि यस कॉमा नो, ठीक है। तो यहाँ पे या तो यस आएगा लिखा हुआ या फिर नो आएगा, तो मैंने यस किया तो फार्मूला कैसे चला, फार्मूला ऐसे चला कि फार्मूला में मैंने क्या लिखा हुआ, फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने कहा भाई चेक करो एक मिनट, चेक करो इफ एल एच, एल एच सेल का नाम है, की वैल्यू इक्वल टू यस है, इक्वल टू यस है, तो यस मैंने डबल कोट्स में लिखा है जो टेक्स्ट, तो कॉमा में ये जो फार्मूला है रन करो, अदरवाइज ये क्या लिख दो, तो जब यस होगा तो ये फार्मूला रन होगा और अदरवाइज जीरो होगा, फिर आप नो लेने जो भी लेने, तो या तो यूजर यहाँ पे यस लेगा या नो लेगा, अगर यस ले रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, नो, तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं, मैं थोड़ा ही सेल्स को बाउंड कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
इस तरह से इसको करके देख सकते हैं। तो आप भी सारी एग्जाम्पल्स को करके देख ले ताकि समझ में आ जाए, तो फिर हम आगे इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो उसको करें, फिर आपको कोई इसके ऊपर असाइनमेंट दे बना।